दोस्तों नमस्कार, मैं रमन सिंह। सतना सांसद लेने लगे हार का बदला। सतना सांसद हार के सदमे में ले रहे हैं यह निर्णय। सांसद गणेश सिंह हमेशा बैलेंसिंग राजनीति करते आ रहे थे। गणेश सिंह ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए कुछ न कुछ पद बांटते रहते थे, भले वह पद सांसद प्रतिनिधि के नाम का ही क्यों ना हो। लोग सांसद प्रतिनिधि पद पाकर अपने आप को सांसद समझ लेने की भूल भी कर लेते थे। सांसद प्रतिनिधि बनाए जाने की कोई लिमिट है क्या? इसका उत्तर शायद यह होगा कि जब ऐसा कोई पद है ही नहीं तो फिर इसकी कैसी लिमिट, कौन सी लिमिट, कौन बनाएगा लिमिट, कौन बताएगा लिमिट? अनलिमिटेड प्रतिनिधि सांसद बना सकते हैं क्या? यह भी एक अहम सवाल है। सतना सांसद विधानसभा का चुनाव हारते ही ताबड़तोड़ पद वापस लेने के मिशन में लग गए हैं। मेरा मानना है अगर गणेश सिंह इतने एक्टिव सतना के विकास के लिए होते तो शायद हार का सामना करने से वह बच जाते। सतना प्रदेश का पांचवा महानगर बनाया जा सकता है, मगर पहले सोच फिर इच्छा शक्ति हो तब सतना महानगर बन सकता है। मेरे पास इसकी पूरी योजना है। सक्षम और इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति ने जरूरत महसूस समझा तो मैं यह योजना दे सकता हूं। सतना सांसद गणेश सिंह ने धीरज शुक्ला को सबसे पहले सांसद प्रतिनिधि पद से हटाए जाने की शुरुआत की। इससे यह जाहिर होता है कि नीरज शुक्ला ने भाजपा प्रत्याशी गणेश सिंह के लिए चुनाव में काम नहीं किया। अगर इस सवाल को और आगे बढ़ाएं तो नीरज शुक्ला ने किसके लिए काम किया, यह भी एक अहम सवाल है। क्या नीरज शुक्ला ने भाजपा छोड़ बसपा से चुनाव लड़ने वाले रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा के लिए काम किया? अगर ऐसा है तो फिर गणेश सिंह अभी और कार्रवाई के लिए प्रयास कर सकते हैं। पार्टी स्तर पर भी कार्रवाई करने की बातें सामने आ सकती हैं। पार्टी जिलाध्यक्ष सतना में कौन है यह बताने की बार बार जरूरत शायद नहीं है। वैसे एक सवाल सांसद गणेश सिंह से भी पूछा जाना चाहिए। नीरज शुक्ला की अनुशंसा के नाम पर सतना जिले में सांसद गणेश सिंह ने कितने अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग कराए हैं और इससे लाभ किसने उठाया है और यह क्या लाभ उठाया है? मैयर के संजय राय को भी सांसद प्रतिनिधि जैसे अति महत्वपूर्ण पद से हटाया गया है। सतना में बीएसएनएल की बेहतर सुविधाएं देने के लिए एक मजबूत पिलर के रूप में समाज सेवी हरिओम गुप्ता को दूर संचार सलाहकार समिति का सदस्य सांसद गणेश सिंह ने बनवाया था। अब सांसद गणेश सिंह नहीं चाहते कि हरिओम गुप्ता बीएसएनएल को सलाह दें और बीएसएनएल बेहतर सुविधाएं लोगों को दे पाए। सतना सांसद गणेश सिंह ने 20 सालों में कितनी बार और क्या क्या प्रयास किए कि सतना से हटाए गए पेट्रोलियम डिपो को वापस लाया जा सके? क्या पेट्रोलियम डिपो से ज्यादा महत्वपूर्ण काम सांसद प्रतिनिधि बनाना था या चुनाव हारने के बाद इन प्रतिनिधियों को हटाना सबसे महत्वपूर्ण काम बन गया? हम विकास की बात क्यों नहीं करते? हम विकास के लिए प्रयास क्यों नहीं करते? हम विकास के लिए इतने एक्टिव क्यों नहीं हुए? ट्रांसफर और पोस्टिंग में बहुत ज्यादा रुचि लेते हैं क्यों? सांसद प्रतिनिधि बनाना और हटाना सांसद के अधिकार में है। हम तो इसलिए यह बातें करते हैं क्योंकि सांसद प्रतिनिधि नियुक्त करने और हटाए जाने के पत्र मीडिया और सोशल मीडिया में वायरल किए जाते हैं। अगर बंद कमरे में यह प्रतिनिधि बनाए और हटाए जाएं तो हमें कोई लेना देना नहीं है। कई चार पहिया वाहनों में बड़े बड़े होल्डिंग जैसे बोर्ड सांसद प्रतिनिधि के लगाकर लोग घूम रहे हैं, इसलिए सवाल तो उठेंगे। मैंने एक समाचार में कहा था सांसद अपने बच्चों के उम्र के बराबरी के लोगों को साथ लेकर राजनीति कर रहे हैं। बुजुर्ग, अधेड़, बड़े उम्र के लोग क्या ज्यादा समझदार हो चले हैं? नीरज शुक्ला भी उन्हीं में से एक नाम हो सकता है। नीरज शुक्ला जैसे उम्र के लोगों को साथ लेकर उनके नाम का उपयोग करना फिर पद से हटाना कई लोगों के लिए एक बहुत साफ संदेश देने का काम भी यह निर्णय कर सकता है। मैं फिर कहूंगा सतना सांसद हार के सदमे में है। हमेशा जीतने के लिए वैसे कार्य भी करने होते हैं।
Mm-hmm.